इलाहाबाद के कटरा बाजार में बीते दिनों दलित छात्र दिलीप सरोज, जो कि एलएलबी का छात्र था, एक रेस्टोरेंट में कुछ दबंगों के पैर में ठोकर लगने के कारण दलित छात्र दिलीप की बेरहमी तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई थी के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय व अन्य कॉलेज के छात्रों ने इलाहाबाद में जमकर प्रदर्शन किया था और कैंडल मार्च निकाला था और आज सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए थे। मृतक दिलीप सरोज हथीगवां थाना क्षेत्र कुंडा ग्राम झुलसा प्रतापगढ़ का रहने वाला था। आज मृतक के घर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य घर पर पहुंचे। मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि देने के बाद मृतक परिवार से मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और मृतक परिवार को राज्य सरकार की तरफ 20 लाख रुपए का मुआवजा व अनुसूचित मोर्चा की तरफ से 4,12,000 रुपए का अनुदान एवं एक शस्त्र लाइसेंस दिया। डिप्टी सीएम ने मृतक परिवार से कहा कि दुख की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। भैया 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 आगे आओ ये इनको हटाइए थोड़ा सा है भैया भैया थोड़ा सा जगह दीजिए बगैर जगह का कैसे हो गए यार जगह बनाओ थोड़ा पीछे आ जाइए सर 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 अपराधियों को इतना कठोर दंड दिलवाएंगे चाहे जहाँ किसी भी पकड़े और पूरा संगठन परिवार आपके साथ एक बात चेक थोड़ा सा जगह दे दीजिए थोड़ा सा भैया आप आ जाओ आ जाओ भैया भाई साहब भाई साहब निकल जाने दिए भैया अच्छा सबको मौका दो भाई सबको मौका दे यार आप गड़बड़ कर दे रहे हो हिला दे रहे हो ना यार मनोज पीछे आया हो गया घटना को पूरा वे लोगों ने ही नहीं सर पार्टी से सरकार से कोई किसी तरह का वो नहीं जिस जिस तरह विपक्ष का हम लोग ये देखते हैं कि नौकरी की मांग को सुन लीजिए 24 लाख रुपए की चल आप जो भी हो ना अभी एक जांच कमेटी बनाई है पार्टी की ओर से तो ये लोग अभी आप बाद में अलग से आके मिल लेंगे जो बातें और होगी हम लोग फिर आएंगे अभी तो आज हम आपको संवेदना व्यक्त करने आए हैं अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं और आपके दुख को बांटने के लिए आए हैं और सरकार की ओर से बताने के लिए आए हैं कि हम इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे जो भी दोषी हैं उनको ये लगेगा कि इस प्रकार की घटना दूसरा कभी कोई अपराधी करने की घटना कर सकता भैया अभी कहे हैं कि दिलीप को वापस लाने की अगर कहीं गुंजाइश हो चुप रहिए भैया अरे पीछे चुप रहिए मुख्यमंत्री जी आज लोग पहले तो ये दिलीप सरोज की इस हत्या की घटना से पूरी हमारी सरकार और हमारी पार्टी दुखी है और आज हम अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए परिजनों के पास में आए थे।
सरकार की ओर से कुछ सहायता थी वह देने का काम किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने दिलीप सरोज की हत्या की है उन हत्यारों को पकड़ना और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और दिलीप सरोज के ही हत्यारे नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करने का काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसे कोई बचा भी नहीं सकता, कोई छिपा भी नहीं सकता। उसमें से अभी तक की जानकारी के अनुसार 4 में से 3 पकड़े गए हैं और एक जो मुख्य अभियुक्त माना जा रहा है वो अभी पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जो सूचना हमें इंटरनल है वो तो जल्द ही पुलिस पकड़ लेगी उसे भी। और हमारी परिवार के साथ पूरी संवेदना है और इस बहुत बड़े दुख की इस घड़ी में माता पिता को हम लोग सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए थे। और जो सरकार की ओर से एक सामान्य हम लोगों ने 20 लाख रुपए की एक सहायता राशि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से परिवार को सौंपे हैं और 4,12,000 रुपए की एक जो अनुसूचित जाति उसमें सहायता रहती है वो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया है। लेकिन यह राशि कोई महत्व नहीं रखती है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की घटना को जो अंजाम देने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी विपक्ष अब कह रहा है कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, गुंडों का राज है। आप इंकाउंटर चाहे आदि हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रदेश छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उनकी बातों में कितना दम है? नहीं, पूरा अपराध विपक्ष जो कह रहा है कभी भी किसी ऐसी मतलब घटना को और इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना ये राजनीति करने के समान है। मैं समझता हूँ कि यह दुख की घड़ी है और हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ बहुत ही निर्मम कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। सर, प्रतापगढ़ में खासकर प्रतापगढ़ में जो है अपराध चरम पे, बाकी जिलों में आपकी सरकार ने अपराधियों पे अंकुश लगाया लेकिन प्रतापगढ़ में अपराधियों पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? पूरा अंकुश लगा लेंगे, आप निश्चिंत रहें। और कोई अपराधी सर उठाने की कोशिश जो कर रहे हैं उनको कुचल। सर इसी मामले में सुल्तानपुर के एक प्रभावशाली नेता का जो है नाम आया है, जो भी आरोपी हैं कहीं ना कहीं उनके जो है करीबी बताए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपने? कोई करीबी हो, कोई नेता हो, कोई बड़े से बड़े स्थान पे बैठा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी के संरक्षण में रह करके कोई अपराधी बच जाएगी संभव नहीं। धन्यवाद। ठीक, जो है उनको सहायता दिए, जाति आयोग की तरफ से कोई विधायक नहीं बची है। आप तो यहाँ से विधायक का इलेक्शन में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, तो आप भी कुछ बताइए जो है कि मतलब यहाँ पे जिस तरह की घटनाएं प्रतापगढ़ में घट रही है, आए दिन अभी 2 दिन पहले एक मुस्लिम महिला को जो है मार करके हाथ पैर तोड़ दिया गया था, एक सपा की नेता के भाई की हत्या कर दी गई थी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रतापगढ़ में अपराधी कहीं ना कहीं बेलगाम होते हैं? देखिए, जो भी सरकार कर रही है वो जनता के हित में कर रही है, इतने भी गुंडे बदमाश हैं वो सब पकड़े जाएंगे। पूरे प्रदेश में जो है आज ये स्थिति जो है कि कितना सुधार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो गुंडे और बदमाशों के सिक्के के अंदर खड़ी की हुई। वकील साहब, आप बताइए कि आपके जो डिप्टी सीएम साहब आए थे, अभी इनको पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा वगैरह दिए हैं? पता चला 20 लाख रुपए दिए हैं, 20 लाख रुपए और लाइसेंस 24 लाख अलग से और लाइसेंस और लाइसेंस दिए हैं। जहाँ तक अपराधियों की बात आप कर रहे हैं, हमारी सरकार इतनी बढ़िया चल रही है, ये जितने अपराधी हैं सब सपा के गुंडे हैं, यही हमारी सरकार बदनाम करेंगे, ये प्राय जो है हत्या कर। जैसा कि अभी आपके डिप्टी सीएम जो है प्रेसवार्ता में मतलब पत्रकारों से वार्ता में वह उसके पहले पीड़ित के घर पे कह रहे थे कि जो ये हत्या में शामिल थे जो है सोनू मोनू पार्टी के नहीं है। जी, हमारी पार्टी के सही नहीं है। तो क्या आपके पार्टी के नहीं है तो आपके पार्टी के ना मतलब आपके पार्टी के होते तो उनके लिए माफी थी क्या? नहीं, कतई नहीं थी। जो हमारे पार्टी के अगर अपराध करा रहे हैं, अपराध में संलिप्त हैं, तो उनको भी नहीं बसा जाएगा।